नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान LDC भर्ती के 15,000 पदों पर नई LDC भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 15,000 पदों पर LDC भर्ती के 30 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा तिथि दोस्तों इसकी फरवरी में रहेगी। इसमें आपके दो पेपर कैंडिडेट होंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ये 12वीं पास दोस्तों भर्ती रहने वाली है। इसका नोटिफिकेशन को लेकर और एग्जाम डेट को लेकर स्टूडियो में दोस्तों बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि राजस्थान LDC भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान LDC भर्ती की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को लेकर और एग्जाम डेट को लेकर, तो एग्जाम डेट दोस्तों आपकी इसकी फरवरी में रहेगी। और यदि बात करें इसकी दोस्तों LDC भर्ती के पदों की, तो 15,000 पदों पर द्वारा से सूचना मांगी गई है रिक्त पदों की, क्योंकि LDC भर्ती पिछले 9 साल से नहीं हुई है। 2013 में ये भर्ती हुई थी, तब से रिक्त पद चल रहे हैं और लगभग 15,000 से ज़्यादा पदों पर इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बात करें दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं पास प्लस RSCIT कंप्यूटर कोर्स जिन छात्रों ने कर रखा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट की भी बात करेंगे दोस्तों, 18 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा रहेगी, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक के छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा में आपको 2 साल की छूट मिलेगी। इस हिसाब से 42 साल तक के छात्र इसमें आवेदन कर पाएंगे। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी दोस्तों। 15,000 पदों पर LDC भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और राजस्थान पुलिस का भी 4800 पदों पर नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों LDC भर्ती में राजस्थान GK और इतिहास में बेहतर पकड़ रखने वाले अभ्यर्थी मारेंगे बाजी और जल्द ही दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में 300 में से 180 अंक राजस्थान जनरल नॉलेज के हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की भर्ती का भी नोटिफिकेशन आया, जिसमें संपूर्ण राजस्थान GK जोड़ा गया, यानी कि राजस्थान GK पर आपको विशेष फोकस करना है, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर LDC भर्ती। दोनों ही भर्ती 12वीं पास हैं, CET दोनों ही भर्तियों में आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसमें अगर पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो दो पेपर होंगे इसमें और सैलरी 20,800 से लेकर 80,500 तक रहेगी। दोनों पेपरों का जो आयोजन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक एक महीने के अंतराल में करवाएगा। पहला जो पेपर होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का, और 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन और गणित के। इस हिसाब से दोस्तों 300 नंबर का पेपर आएगा। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 75-75 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 100 अंक के। इस प्रकार से दो पेपर होंगे, दोनों पेपरों को पास करने पर आपको कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होंगी दो, यानी कि OMR शीट पर पेपर होगा, इसके बाद हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जल्द ही दोस्तों राजस्थान LDC भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर से पहले ही आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे दीपावली के बाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और LDC भर्ती परीक्षा का दिन फरवरी में प्रस्तावित है। जय हिंद, वंदे मातरम।